अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। आप बखूबी जानते हैं कि महकमे मौसमियात की जानिब से साफ तौर पर इस बात से आगाह किया गया था कि आने वाले दिनों में कई जगहों पे बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, और इलाके देहाती इलाकों की बात करें वहाँ पे भी बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिश जो है कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि श्रीनगर की अगर बात करें तो सीज़न की पहली स्नोफॉल जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है। घंटा घर के सामने से लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर बानिहाल की बात करें, रामबन की बात करें और जो नेशनल हाईवे है, जितने भी ड्राइवर हजरात सफ़र करते हैं उन तक ये खबर पहुँचाना ज़रूरी लाजमी है कि जनाब जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं वो पहले रास्ते का बाकायदा तौर पर पता करके चले, ताकि उन्हें जो है परेशानी और दिक्कतों का सामना जो है ना करना पड़े। हालांकि साफ तौर पर ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं जो कि रामबन का रुख करेंगे, यानी कि नेशनल हाईवे से जो आने जाने का रुख करते हैं, कि अभी जो है रामबन बाकायदा तौर पर जो है इस वक्त शदीद बर्फबारी की वजह से फिलहाल वक्ती तौर जो है फिलहाल बंद किया गया है। और ये भी आपको साफ तौर पर लाजमी करार दूं कि जितनी भी कश्मीर के अपर रीस है वहाँ पर भी जो है स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। लाइव नशरियात घंटाघर के सामने से जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो श्रीनगर में पहली बर्फ़ है ये सीज़न की, और इस पहली बर्फ़ की अगर बात करें तो जो टफरियाँ हैं या फिर चाय की दुकानें हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि जितने भी हमारे कश्मीरी भाई हैं या फिर सयाह हैं वो खाते हैं, तो लाजमी जो है उनकी टफरियाँ की चाय जो है टफरी की चाय जो है सख्त बाकायदा तौर पर बुक होगी, क्योंकि शदीद सर्दी जो है वो बढ़ जाती है इस सीज़न के द्वारा। और कश्मीर की अगर बात करें तो चलाइकलान का जो है महीना चल रहा है, इस चलाइकलान के चलते बहुत ही ज़्यादा शदीद सर्दी होती है और इसी के साथ साथ बर्फ़बारी भी जो है बहुत ज़्यादा जम जाती है। आपको इस बात से भी आगाह कर दूँ, ये बताया गया था कि 4 तारीख तक जो है मौसम इस तरीके का रहेगा, यानी कि कुछ जगहों पे जो है बाकायदा तौर पर सर्दी शदीद बढ़ जाएगी, हालांकि माइनस में चल रहा है और सर्दी भी जो है बढ़ जाएगी, बर्फ़बारी भी जो है हमें देखने को मिलेगी और बारिश भी जो है कहीं जगहों पे हमें देखने को मिलेगी। ख़ासकर अगर लाल चौक घंटा घर की बात करें तो ये कुछ नज़ारा है इस वक्त, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूना लग रहा है और लोग जितने भी आने जाने वाले हैं वो काफ़ी वक्त तक यहाँ पे ठहरते थे और चीज़ें वगैरह ख़रीदते थे। सयाहों की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसे हमारे आम शहरियों की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा जो है आना जाना लगा रहता था, मगर इस वक्त की अगर बात करें तो पहली बर्फ़बारी जबकि श्रीनगर में स्टार्ट हुई तो अभी जो है कम आमदरफ्त जो है देखने को हमें मिल रही है। हालाँकि श्रीनगर मेन हब माना जाता है और मेन सिटी मानी जाती है जहाँ पर बहुत सारे सयाह आके जो है इन वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। और अगर बात करें नए साल की तो नया साल भी जो है आने वाला है, नए साल की तैयारियां भी जो है उरूज पर चल रही हैं और ये भी तकाजा लगाया जा रहा है कि जितनी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैं या फिर जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो बुक हो चुके हैं नए साल के चलते, और काफ़ी तरह ऐसे सयाह हैं जो नए साल की खुशी और नया साल मनाने जो है कश्मीर का रुख करेंगे। आपको बता दूं कि घंटाघर वाहिद एक ऐतिहासिक जगह है जहां पे काफ़ी तरह सयाह आके फ़ोटो वगैरह भी उठाते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और इसी के साथ साथ जगह का वादियों का लुत्फ भी लेते हैं। और इसी के साथ जो इस वक्त की अगर बात करें तो साफ तौर पर सूना लग रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात बर्फ़ आपको मुबारक हो और बर्फ़ होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें ज़रूरी है किसी हद तक, और सीज़न की पहली बर्फबारी जो है श्रीनगर में हमें देखने को मिली। अगर बाकी जगह दीगर ऐसी जगहों की बात करें तो वहाँ पे जो है इससे पहले भी जो है बर्फबारी हमें देखने को मिली है। और एक बात अहम जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, ट्रक ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो या फिर जितने भी ड्राइवर्स हैं जो यहाँ से दूसरी जगह का रुख करते हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचिएगा। जितने भी देखने वाले हैं उन तक भी गुजारिश है, ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उन तक ख्याल रखिएगा, उन तक पहुंचिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, उनकी जानों का ख्याल रखिएगा, और उन्हें अगर कोई चीज़ ज़रूरत वगैरह होती है फरहम कर दीजिएगा वक्ती तौर, ताकि जो है इस वक्त काम जो है स्मूथली चल सके। और जितने भी मुझे देखने वाले उन तक ये गुजारिश है, अपने अपने मौसम का हाल जो है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके यहाँ किस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि बाकी जितने देखने वाले हैं उन तक ये खबर जो है बाकायदा तर पहुँच सके। तो आपको ये भी बता दूँ कि अगर कोई सफ़र करना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, हालांकि बात करें सर्दियों में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जम्मू का रुख करते हैं, तो पहले मौसम का हाल देख के जो है बाद में निकलिएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से तगाजा लगाया जा रहा है कि बर्फ़बारी जो है कुछ घंटों तक हो सकती है। हालांकि बानिहाल की बात करें, बानिहाल में भी जो है बर्फ़बारी
बानिहाल की में भी जो है हमें जो है बारिश देखने को मिली, और काजीगुंड की बात करें वहां भी जो है शदीद बर्फबारी हमें देखने को मिली, और कई जगहों पे हमें जो है जैम भी देखने को मिला। इसी के साथ घंटाघर से लाइव नशरियात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।